अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के मेरिट लिस्टें कब लगेंगी, और जो है वो इस साल का मेरिट जो है वो लास्ट ईयर से मेरिट से कम होगा या ज़्यादा होगा, और उसके कम या ज़्यादा होने की वजह भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो एडमिशन शेड्यूल जो है वो एप्लीकेशन, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट है 31 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 13 नवंबर 2023 को लगाई जाएगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 17 नवंबर 2023 को जारी की जाएगी। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो है MBBS की वो 20 नवंबर 2023 को लगेगी, जबकि BDS की जो है वो 2 जनवरी 2024 को लगाई जाएगी। और देन जो है आगे जो है सिलेक्शन लिस्टें जो है वो लगती जाएंगी, जैसे कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट MBBS की जो है वो 27 नवंबर को, और थर्ड लिस्ट जो है वो 4 दिसंबर को लगेगी। इसी तरह BDS की अगर हम बात करें, 10 जनवरी को जो है वो हमारे पास BDS की सेकंड लिस्ट लगेगी, और 16 जनवरी को थर्ड लिस्ट लगेगी। तो ये तो हो गया जी मेरिट लिस्टें का शेड्यूल, जो मेरिट लिस्टें हैं वो कब लगेंगी। आप बात कर लेते हैं इस साल का मेरिट जो है वो कितना होगा, कहाँ तक जा सकता है, और लास्ट ईयर के मेरिट से जो है वो कम या ज़्यादा होगा। तो चलिए वीडियो उस तरफ चलते हैं। दोस्तों, UHS पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के मेरिट 2023 की अगर हम बात करें, तो इससे पहले जो है हम लास्ट ईयर के मेरिट को देख लेते हैं। लास्ट ईयर का जो मेरिट था हमारे पास, उसमें जो है 2022 का वो MBBS का जो था वो हमारे पास था जी 90.40 था, और BDS का जो था वो हमारे पास मेरिट था 90.22। MBBS 90.40 और BDS 90.22 था जो सेशन 2022 का मेरिट था। इस साल जो मेरिट है वो लास्ट ईयर के मेरिट से जो है वो ज़्यादा होगा। इसकी मेन वजह जो है वो दो हैं। एक तो है जी FSC के मार्क्स। FSC के जो है लास्ट ईयर जो थे वो इलेक्टिव मार्क्स काउंट हुए थे, इस दफ़ा जो है वो फुल मार्क्स काउंट हो रहे हैं। और इससे भी जो मेन रीज़न है वो है जी MD कैट के मार्क्स। जो लास्ट ईयर MD कैट के मार्क्स थे उसमें जो था वो 90% से अबव जो स्टूडेंट्स थे वो 274 के करीब थे, लेकिन जो इस साल में MD कैट हुआ है, MD कैट 2023, उसमें जो है वो राउंड 870 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो 180 के अबव हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं, एक FSC के मार्क्स जो फुल काउंट हो रहे हैं, और दूसरा जो है वो MD कैट के मार्क्स भी ज़्यादा हैं। तो इस दफ़ा जो मेरिट है वो लास्ट ईयर के मेरिट से जो है वो ज़्यादा होगा। और मेरिट ज़्यादा कितना होगा, लास्ट ईयर जो था 90.40 था, तो इस साल जो मेरिट है वो 91 को जो है वो टच करेगा, और 91 के राउंड बोर्ड रहेगा, थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस 91 के करीब जो है वो इस दफ़ा MBBS का मेरिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो 13 नवंबर को जो है वो लिस्ट लग जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट, तो उसमें जो है वो तमाम तरह चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।